नमस्कार, मैं कृति धीर हापुड़ हलचल के साथ। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के एसएसवी कॉलेज से, जहां ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। यह परीक्षाएं सरकार के निर्णय पर कराई जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के चलते प्रारंभ हुई इन परीक्षाओं में एसएसवी डिग्री कॉलेज के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य द्वारा कोरोना सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है और थर्मल स्कैनिंग, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए परीक्षार्थियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। आइए जानते हैं एसएसवी कॉलेज के प्रधानाचार्य से कि परीक्षाओं को लेकर क्या क्या सुरक्षा बरती जा रही है और कितने बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं। इसमें हमने बच्चों को थर्मल स्कैनिंग करा रहे हैं, बच्चों को मास्क चेक कर रहे हैं और जो बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा है, 97-98 से ज्यादा है, उन्हें अलग कमरे में बैठा रहे हैं। कल 4 बच्चे मिले थे। बाकी जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स हैं उन्हें सारे उसको फॉलो कर रहे हैं। कल शाम भी कॉलेज सैनिटाइज कराया, हर मीटिंग के बाद हम कॉलेज को भी सैनिटाइज करा रहे हैं कमरों को। बच्चों की उपस्थिति सर पूरी है? बच्चों की उपस्थिति नहीं, अनुपस्थित भी है। कल 636 बच्चों का इम्तहान था शाम की शिफ्ट में और 600 बच्चे आए, 36 एबसेंट थे और सुबह को 124 बच्चों का था, उसमें 9 बच्चे एबसेंट थे। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।